लिप्स बहुत ज्यादा डार्क हो गए हैं और इसके साथ साथ उनके आसपास की स्किन यानी आपका टोटली ये इतना एरिया माउथ एरिया बिल्कुल काला हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आज की रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की ये सेम प्रॉब्लम होती है जिसके लिए आपने मुझे बहुत सारे मेल्स करे हैं कि आपका ओवरऑल फेस तो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है लेकिन स्पेशली आपका माउथ एरिया आपके फेस से बहुत ज्यादा डार्क है जिसकी वजह से आपको बार बार उसको छुपाने के लिए मेकअप करना पड़ता है। लेकिन आज का मेरा अगर आप DIY इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 20 डेज के अंदर आपको आपके डार्कनेस के अंदर ह्यूज डिफरेंस दिखेगा और आपने इस रेमेडी को लगातार एटलीस्ट 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। 1 महीने में आपकी जितनी भी डार्कनेस है पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी लेकिन आपको पेशेंस रखने होंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में एक बार क्लियर और करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम बॉयज हैं यूज कर सकते हैं, हम छोटे बच्चे को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी मैं अपना DIY यूज करती हूँ हमेशा बता देती हूँ कि ये वाली चीज कितने एज वाले ग्रुप को यूज करनी है और कौन से जेंडर को। मेरे चैनल पर आने वाली हर रेमेडी कोई भी जेंडर के लोग यानी बॉयज गर्ल्स कोई भी यूज कर सकता है। प्लस में अगर आपका बच्चा 10 साल का हो चुका है तो डेफिनेटली आप उसके फेस पर भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा रेमेडी। तो फाइनली इस रेमेडी को बनाने के लिए हम तैयार हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको लेने हैं चावल और चावल का जो मांड होता है यानी जो चावल का पानी होता है वो आपकी स्किन पे इतना अल्टीमेट रिजल्ट देता है कि कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप जब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देगा, ब्राइटन बनाएगा, आपकी स्किन पर एंटी एजिंग का काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है, समय से पहले डल पड़ गई है, बेजान हो गई है, छोटे छोटे दाने हो गए हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ट्रस्ट मी अगर आप 25 के हो चुके हैं ना तो आज से इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं और फिर देखना इसके अल्टीमेट रिजल्ट। अब इसको हमें पकाना है। अगर आपके घर में चावल बनते हैं तो आपको स्पेशली चावल को पकाने की जरूरत नहीं होगी। जब चावल बॉईल करते हैं और जो उसका पानी ऊपर आता रहता है बेसिकली हमें वही मांड चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें डालूंगी 1 ग्लास पानी, यहाँ पर 1 ग्लास पानी ऐड कर देना है और इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है। अब मैं इसको गैस पर रख दूंगी। पहले चावलों को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, जैसे ही बॉईल होने लगेंगे तब हम लो फ्लेम कर देंगे ताकि चावल का जो पूरा असर है उस पानी में आ जाए। चावल को अच्छे से पकाने के बाद आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। अगर आपके घर में चावल रात के टाइम नहीं यूज होते हैं, नहीं खाते हैं, तो आप उन चावलों को दोबारा से अच्छे से पीस कर मिक्सी में ग्राइंड बना के उसका पेस्ट बना सकते हैं और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ पैक, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो चावल को भी फेंकेगा मत जो बच जाए। तो यहाँ पर हमारे चावल जो है अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं और उसको मैंने छान कर एक अलग कटोरी में इस तरीके से निकाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा पानी मैंने क्यों निकाल लिया है, एक बार में तो यूज होगा नहीं। यस, एक बार में यूज नहीं होगा, 1 टाइम में हम 2 स्पून राइस वाटर ही यूज करेंगे लेकिन बाकी का हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। तो आप इसको इजिली 15 डेज तक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बाउल में 2 चम्मच चावल का पानी ही ऐड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा बेसन। बेसन भी आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, जो आपके माउथ एरिया जो बहुत ज्यादा डार्क है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा वो रहेगा विटामिन ई का कैप्सूल। ये आपको केमिस्ट शॉप से या परचून की दुकान से इजीली मिल जाएगा, 30 रुपीज का आता है। पिगमेंटेशन को रिमूव करते हैं, एंटी एजिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं आपके ओवरऑल स्किन के लिए। इनफैक्ट आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेकर आते हैं। तो सिंगल कैप्सूल का आपने इसमें जेल ऐड करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा हमारा लेमन, लेकिन मेक श्योर कि जब आप इसको लिप्स पे अप्लाई करें तो आपके लिप्स चैप्ड ना हो यानी फटे ना हो, क्योंकि फटे होंगे तो लेमन वहाँ पे जलन करेगा तो लिप्स की जो डार्कनेस एकदम कालापन है वो भी दूर हो जाएगा। हाफ लेमन हम इसमें स्क्वीज करेंगे। अगर लेमन आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो आप टमाटर का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, नो कोई एक्स्ट्रा वाटर हमें इसमें ऐड नहीं करना है। जो चावल का पानी था बस उसी में हमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कर लेने हैं। अगर आपका फेस पैक बच जाता है ये बना हुआ तो इसको आप ओवरऑल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका ये बेस्ट डिटैन पैक बनकर तैयार हो चुका है तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ डूज और डोंट्स हैं उसको जरूर ध्यान रख लेते हैं। करना सबसे पहले ये है कि आपको अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना
करना है। डे टाइम में कभी भी आप अप्लाई इसको नहीं करेंगे, क्योंकि डे टाइम में बाहर जाते हैं, घर का काम करते हैं, स्वेट होता है हमारी स्किन पर, तो पैक का इफेक्ट नहीं रहता है। आपने नाइट में सोने से पहले अपने फेस को पहले अच्छे से क्लीन करना है, जितनी भी डस्ट इम्प्योरिटीज उसको निकाल देना है फेस वॉश से, ठीक है। देन उसके बाद आपने इस पैक को अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट आपने अपने फेस पे लगाने के बाद छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करना है। देन उसके बाद अपना कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सो जाना है। तो गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये रेमेडी बहुत ज्यादा अल्टीमेट लगा होगा। तो ऐसे कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते रहें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी मेरे चैनल पर कोई नया वीडियो आए तो आप फट से उसको देख सके। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra। ऐसी कुछ नया आपकी ईशा लाती रहेगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहेगी। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।